बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। बहुत ही वड्डा अपडेट है जसमीत भाटिया जी साडे नाल सांझा करनगे, पर विशा भी बहुत वड्डा है। जसमीत जी बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जसमीत जी, कनेडा दे विच बैचलर डिग्री करनी जरूरी क्यों हो गई है, जबकि अज तक डिप्लोमिया का ट्रेंड बहुत ज़्यादा सी, हुण इह दोनों चीज़ों के उत्ते मैनू कलैरिटी दिओ। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो मैं ये दसना चाहवांगा सारिआं नूं, कनेडा एक अकेला मुल्क है अज की डेट च, अकेला मुल्क जिहड़ा डिप्लोमा ते पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट दे रहा ना। आस्ट्रेलिया देता पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट, वो कहता बैचलर या मास्टर करो फिर देवे ना। न्यूजीलैंड देता, न्यूजीलैंड कहता ग्रीन लिस्ट कोर्सिस आ जाओ, जिनी देर का डिप्लोमा है उन्नी देर का वर्क परमिट देवे, जे एक साल का देवे, दो साल का दो साल का देवे। जर्मनी कहता बैचलर मास्टर, यूके कहता बैचलर मास्टर, यूएसए कहता बैचलर मास्टर। फिर कैनेडा क्यों असी डिप्लोमा कर जा रहे हैं, क्यों असी शॉर्टकट लभन की कोशिश कर रहे हैं। हूँ कैनेडा ने कहा 966 कोर्स हैं, कैनेडा ने 7 कोर्सों की लिस्ट नहीं बनाई, जिवें न्यूजीलैंड ने सिर्फ 7 या 8 9 कोर्सिज रखे हैं, कैनेडा ने लिस्ट बनाई है 966 कोर्सिज की। मुकती नहीं लिस्ट, मुकती नहीं। सारे स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं, जिन्ना नैगेटिव लै लो पॉजिटिव लै लो। देखो जे तो आप नैगेटिव सोचना तो आप नैगेटिव सोचना, जो आप पॉजिटिव लीए तो कैनेडा सरकार कह रही है कि 966 कोर्स करनाओ, वर्क परमिट देवे, कम भी देवे, PR भी देवे, कि माड़ा। बट हूँ जो बच्चा कहता कि मैं बिजनेस वाला बच्चे की गल कर लेंगे, वो की करेगा, वो कहना मैं इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैं बिजनेस अकाउंटिंग करनी है, मैं इंटरनेशनल बिजनेस करना, मैं फाइनैंस करना। वो हूँ 966 नहीं है, वो की करेगा, वो बैचलर डिग्री करेगा। पर मैं फिर भी सारे बच्चों को कहूँगा, कंसिडरिंग अदर कंट्रीज गिविंग यू पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट ऑन बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, वाई वी आर नॉट डूइंग बैचलर डिग्री इन कैनेडा। क्यों नहीं कर रहे आप बैचलर डिग्री कैनेडा च, क्यों? उत्थे आप 4 साल की डिग्री करने तैयार हाँ, उत्थे असी पैसे लाने तैयार हाँ, उत्थे असी 15 लाख की डिग्री करने तैयार हाँ, इतने 10 लाख के साल की डिग्री करने तैयार नहीं है। मतलब कनेडा च डिप्लोमे की बजाय साढ़े विद्यार्थी डिग्री च जाण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अज की डेट से डिसीजन लेना। डिप्लोमे जाओ, देखो ट्रेड से जाओ, हेल्थ जाओ, जिहड़े नहीं अफोर्ड कर सकते मैं कहूँगा डिप्लोमे जाओ, जिहड़े अफोर्ड कर सकते हैं ना वह भी कहते सानूं डिप्लोमे च भेज दो। क्यों? जे तुसीं अफोर्ड कर सकते हो वाई नॉट बैचलर डिग्री, वो की फायदे मतलब सब पहला फायदा, इफ यू आर डूइंग 3 ईयर्स बैचलर डिग्री, सो राइट नाउ देर आर 3 ईयर्स बैचलर डिग्री ऑल्सो इन कैनेडा, डू एनी स्ट्रीम। आप 2 साल का डिप्लोमा करना या 3 साल की बैचलर डिग्री कर लें, कोई भी स्ट्रीम च कर लो, 3 साल का वर्क परमिट, पक्का वर्क परमिट। कल ये नहीं कि आ कोर्स नहीं किया तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आ नहीं किया, नो क्वेश्चन आस्क्ड। जे बैचलर डिग्री की है तो पक्का पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट, पहला 3 साल की भी कर सकते हैं, 4 साल की भी कर सकते। दूजा फायदा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन योर PR फाइल। जे बैचलर डिग्री की है तो एक्स्ट्रा पॉइंट इन योर PR फाइल। तीजा पॉइंट, देखो असी 3 साल की बैचलर डिग्री की, 3 साल का वर्क परमिट मतलब कि 6 साल का समा, 4 साल की बैचलर डिग्री की, 3 साल का वर्क परमिट यानी 7 साल का समा। जे तुसी किसी देश च 6-7 साल रह के भी PR का सल्यूशन नहीं लभ सकते, फिर अपने अंदर कमी लभो, किसी होर देश की कमी नहीं हैगी। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा, जे आप किसी मुल्क 7 साल रह ले और PR की सिचुएशन नहीं लभी, चंगी जॉब नहीं लभी, चंगे पैसे नहीं कमाए, फिर अपने अंदर झांक के देखिए आप कि आप पढ़ाई नहीं की, कि आप चंगी संगत नहीं चूज की, कि आप सही डायरेक्शन च नहीं गए। क्यों ये होया कि सानू 7 साल बाद भी PR नहीं मिली? सो स्टूडेंट्स, 7 साल एक बहुत लंबा समय किसी कंट्री लई PR लैन लई, रिलेशनशिप बिल्ड करन लई, अपने बच्चे करते हैं उत्थे जाके उन्हें कल्चर च ढलदे, आप कल्चर च ढलीए, कनेडियन हंबल होइए, पेशेंट होइए, रिस्पैक्ट करिए एक दूजे की, उत्थे जाके अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग चंगी करिए, जिथे भी काम करिए उत्थे ऑनेस्टी ना करिए, शॉर्टकट्स ना लभीए। सो जे ये सारा कुछ तुसी करोगे, चाहे कोई भी मुल्क होए, कोई भी मुल्क होए, ये जरूरी है। बाहरले मुल्क च ऑनेस्टी की सब तो ज़्यादा वैल्यू है, सब तो ज़्यादा वैल्यू ऑनेस्टी की है, लॉयल्टी की है। और जे तुसी ये सारिया चीज़ा करोगे तो तुसी किते भी पक्के हो सकते हो, कैनेडा च नहीं। कैनेडा च अज की डेट च मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा, इफ यू कैन अफोर्ड टू डू अ बैचलर डिग्री, वाई नॉट। एंड कैनेडा बहुत ही वड्डा मुल्क है, सिर्फ 20% कैनेडा का जो 20% एरिया, मैं लगता इंडिया का 80% घर बन गए होने,
क्योंकि इंडिया च पापुलेशन ही इन्नी है। कैनेडा का सिर्फ 20% एरिया डिवेलप्ड है, 80% एरिया अंडर डिवेलप्ड है, डिवेलप नहीं है, 80% जगह डिवेलप नहीं हैगी। सो वाई नॉट बी अ पार्ट, डिवेलप करो, उत्थे जाके रहो, उत्थे जाके फाइंड समथिंग टू डू योर ओन बिजनेस ऑल्सो, ग्रो। जे आप इस माइंडसैट में जावे तो आप किसी भी मुल्क पक्के हो सकते हैं। सो बैचलर डिग्री मैं लगता है करनी बहुत ज़्यादा जरूरी। बाकी मेरी बहुत यूनिवर्सिटियां गल चल रही है, मैं जल्दी डिस्कलोज कराँगा कि बहुत सारिया यूनिवर्सिटियां बहुत तगड़िया स्कॉलरशिप्स लेके आ रहा है। अलगोमा यूनिवर्सिटी की 90% उत्ते $5,000 की स्कॉलरशिप है, 80% उत्ते $2,500 की स्कॉलरशिप है। सो स्कॉलरशिप बहुत जल्दी होर भी यूनिवर्सिटियां, मेरी गल चल रही है कि $5,000 की स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को, ता कि बच्चे मोटिवेट होन यूनिवर्सिटी की डिग्री करने लिए और उत्थे होके पक्के होने की गल करन। सो मैं जल्द तुम्हें स्कॉलरशिप अनाउंस कराँगा और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ कैनेडा कि सू बच्चों स्कॉलरशिप दी जाए। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ नायगरा फॉल्स मास्टर से स्कॉलरशिप ऑफर कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वेस्ट मास्टर से स्कॉलरशिप दे रहा है। सो बहुत सारे होर भी यूनिवर्सिटी जरूर तुम्हें मास्टर से स्कॉलरशिप देने की गल कर रही हैं। लैंडमार्क इमीग्रेशन की 0 प्रोसैसिंग फीस, 0 एप्लीकेशन फीस का फायदा चुको और अपना केस अपलाई करो। चलो थैंक यू सो मच, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।